सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज भी हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे, किंतु आज हम हिंदी मेधा में एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 10, जिसका नाम है गडेरिया बना राजकुमार। बच्चों, हमारी बुद्धि बड़ी ही अनमोल चीज है, हमें अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। यह वह हथियार है जिसने एक गडेरिये के बेटे को राजसी ठाट बाट दिला दिया, एक गडेरियो को राजकुमार बना दिया। और हम यह कहानी इसी से संबंधित पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको हमेशा की तरह पाठ पढ़ाऊंगी, यह कहानी पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद आप यह कहानी एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगी। तो आइए पहले पाठ पढ़ते हैं। पाठ 10, गडेरिया बना राजकुमार। हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। गडेरिये का बेटा कैरोली बहुत चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। एक दिन राजा ने कैरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। कैरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तो तुम बांसुरी भी बजाते हो? पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वह कितना सही है। जी महाराज, कैरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। कैरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। कैरोली ने कहा, महाराज, भेड़े तो मेरा जीवन है, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि सागर में पानी की कितने बूंदे होती हैं? कैरोली थोड़ा सोचकर बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि सागर की बूंदे बढ़ती ही रहती है, क्योंकि नदियाँ उसमें हर दम अपना जल मिलाती रहती है। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए तो जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार में गिन सकूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए, तुमने चतुराई दिखलाई, अब देखते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? कैरोली ने कहा, महाराज, उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिलों की जरूरत है। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी, उनसे कहा, अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों के कागज बिंदुओं से भर गए, तब कैरोली उन कागजों को महाराज के समीप ले गया और उनसे कहा, महाराज, इन सारे कागजों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने की आकाश में तारे हैं, बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने न लगे। इधर महाराज को लगने लगा कि यह कैरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? कैरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से दूर एक देश है जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है।
उसके चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे, मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। इस प्रकार कैरोली गडेरिया से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। तो बच्चों, मैं आपको अब इसके शब्द समझा देती हूँ। गडेरिया क्या होता है, कौन होता है गडेरिया? भेड़ बकरी चराने वाला। भेड़ बकरी चराने वाले को क्या कहा जाता है? गडेरिया। धुन, गाने की आवाज। जब्त करना, छीन लेना। राजा ने कहा था ना कि अगर उत्तर सही नहीं दिए तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा, यानी तुमसे छीन लिया जाएगा। अनंत काल, जिस समय का कोई अंत ना हो, उसे अनंत काल कहा जाता है। विशाल, बड़ा। अतिथि, मेहमान। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ की वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आइए वीडियो देखते हैं। गडेरिया बना राजकुमार। हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। गडेरिया का बेटा केरोली बहुत चतुर था। वह प्रत्येक प्रश्न का हल बहुत ही आसानी से निकाल लेता था। उसकी चतुराई की कहानी एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे और इस तरह पूरे हंगरी में फैल गई। यह बात राजा को भी सुनाई पड़ी। एक दिन राजा ने केरोली को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। केरोली अपनी बांसुरी हाथ में लिए राजा के दरबार में हाजिर हो गया। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने बांसुरी देखकर कहा, तुम तो बांसुरी भी बजाते हो, पहले हम बांसुरी सुनेंगे, बाद में तुम्हारी परीक्षा लेंगे। देखते हैं जो लोग कहते हैं वह कितना सही है। जी महाराज। किरोली बांसुरी बजाने लगा। धुन बहुत ही मधुर थी। दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। किरोली ने फिर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, मैं तुमसे तीन सवाल पूछूंगा, अगर तीनों के उत्तर ठीक दिए तो तुम्हें राजकुमार की तरह राजभवन में रखा जाएगा। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी भेड़ों को जब्त कर लिया जाएगा। किरोली ने कहा, महाराज भेड़े तो मेरा जीवन है, आप प्रश्न पूछिए, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या तुम मुझे गिनकर बता सकते हो कि किसी सागर में पानी की कितने बूंदे होती हैं? किरोली ने थोड़ा सोचकर बोला, महाराज मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, सागर की बूंदे बढ़ती ही रहती हैं, क्योंकि नदियां उसमें हर दम अपना जल मिलाती रहती हैं। आप अपने सैनिकों से कहकर उन नदियों को रुकवा दीजिए जो सागर में गिर रही हैं, तभी मैं सागर की बूंदों को एक बार में गिन सकूंगा। राजा ने कहा, पहली परीक्षा में तुम पास हो गए, तुमने चतुराई दिखलाई, अब देखते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न का तुम्हारे पास क्या उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, आसमान में कितने तारे हैं? किरोली ने कहा, महाराज उनको गिनने के लिए मुझे कुछ कागजों और पेंसिलों की जरूरत है। राजा ने कुछ कागज और पेंसिलें मंगवा दी। लड़के ने कुछ दरबारियों को एक एक कागज पेंसिल थमा दी। उनसे कहा, अपने अपने कागजों को बिंदुओं से भर दीजिए। सब दरबारी खुशी खुशी अधिक से अधिक बिंदु बनाने लगे। जब सब लोगों के कागज बिंदुओं से भर गए तब किरोली उन कागजों को महाराज के समीप ले गया
और उनसे कहा, महाराज, इन सारे कागजों में उतने ही बिंदु बने हैं जितने कि आकाश में तारे हैं। बस इन्हें आप अपने दरबारियों से गिनवा लीजिए। बिंदु बनाने वाले दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं राजा सचमुच ही बिंदुओं को उनसे गिनवाने न लगे। इधर महाराज को लगने लगा कि यह केरोली तो सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर तो दे दिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ तो मान लूंगा कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मेरा तीसरा प्रश्न है, अनंत काल में कितने क्षण होते हैं? किरोली सोचने लगा। वह कुछ देर बाद बोला, महाराज, हमारे देश से बहुत दूर एक देश है, जर्मनी। वहां के पोमेरानिया नामक स्थान में हीरे का एक प्रसिद्ध पहाड़ है। वह इतना विशाल है कि उसका चक्कर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। उस पहाड़ पर कभी कभी एक चिड़िया आती है और उस पर अपनी चोंच घिसकर तेज करती है। उसके चोंच घिसने से जब पूरा पहाड़ घिस जाएगा तब अनंत काल का एक क्षण पूरा होगा। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मेरे दरबार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता था। अब तुम मेरे साथ मेरे ही महल में रहोगे। मैं तुम्हें गोद लेता हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ रह सकते हैं। इस प्रकार केरोली गड़ेरिया से राजकुमार बन गया। उसके माता पिता भी राजमहल में अतिथि बनकर रहने लगे। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया है और आप सभी ने इसकी वीडियो भी देख ली है। वीडियो देखकर आपको ये कहानी और अच्छे से समझ आई होगी, देखने में मजा भी आया होगा। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है कि आपको इस पाठ को, पाठ 10 गड़ेरिया बना राजकुमार, 3 बार पढ़ना है आपको। आपको लाउड रीडिंग करनी है 3 times, ठीक है? 3 बार आपको लाउडली पढ़ना है चैप्टर, और उसके बाद आपको कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखने हैं। कठिन शब्द आपको जो भी इस पाठ में कठिन लगेंगे शब्द, 15 words हों, 20 words हों, मतलब 15-20 शब्द होने चाहिए, ठीक है? जो जो कठिन लगे वो सब आप अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिख लेंगे। और उसके बाद शब्द अर्थ जो आपको मैंने 6 word meanings, 6 शब्द अर्थ मैंने आपको समझाए हैं, आप वो भी हिंदी मेधा कॉपी में लिख लेंगे। लेकिन पहले कठिन शब्द लिखेंगे, ठीक है? पहले कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद शब्द अर्थ लिखेंगे अच्छे से आप, और याद भी करेंगे और इनका अभ्यास भी करेंगे और पाठ पढ़ेंगे भी, ठीक है? तो बहुत सुंदर लेख में कार्य कीजिए और बिना किसी गलती के कीजिए। स्पेलिंग्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।